नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। ये प्रीव्यू है बिग बैश लीग के सेकंड मैच का। ये खेला जाएगा सिडनी सिक्सर्स और मेलबर्न रेनेगेड्स के बीच में। 13th सीजन है ये बिग बैश लीग का। 3-time चैंपियन सिक्सर्स ने पिछले सीजन में 10 विन्स अक्यूमुलेट करे थे और फिनिश किया था सेकंड पोजीशन पे टेबल में, बट इवेंचुअली ब्रिस्बेन हीट से हार गए थे चैलेंजर मैच में। बात करें अगर रेनेगेड्स की तो वो 7 विन्स ही इकट्ठे कर पाए थे और थर्ड पे फिनिश किया था लीग स्टेज में, ये भी हार गए थे ब्रिस्बेन हीट से इन द नॉकआउट्स। अगर मैं ओवरऑल हेड टू हेड मैच की बात करूं तो यहाँ पे सिक्सर्स लीड कर रही है बाय 12-5 का मार्जिन, एक रहा था नो रिजल्ट में। देखते हैं ये वाला मैचअप कौन जीतेगा। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना, पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है, वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्दी फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। बात करते हैं प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, तो यहाँ पे पहले देखते हैं सिडनी सिक्सर्स का प्लेइंग 11। तो हमारे हिसाब से खेलते हुए दिखने चाहिए जॉर्ज फिलिप इनके विकेट कीपर, स्टीव स्मिथ, जेम्स विंस, मोसेस हेनरिकस इनके कैप्टन, जॉर्डन सिल्क, जैक एडवर्ड्स, टॉम कुरन, शॉन अबॉट या मिच पेरी में से कोई ये खेलता हुआ दिखना चाहिए। बोला जा रहा है कि अबॉट को शायद निगल है तो शायद ना खेलते हुए दिखे, तो उनकी जगह मिच पेरी शायद खेलते हुए दिखे। बेन वॉशर्स इनके लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर, स्टीव ओकीफ और जैक्सन बर्ड। बात करें बाकी प्लेयर्स की तो हेडन केयर रूल आउट है पहले गेम से इंजरी के चलते, और आई नवीद भी जस्ट ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं तो पहले गेम में खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। अगर मैं सिडनी सिक्सर्स के इन्स एंड आउट्स की बात करूं तो इन्स में टॉम कुरन, जोएल डेविस और मिच पेरी शामिल है। आउट्स की बात की जाए तो डैन क्रिश्चियन अब रिटायर हो गए हैं एंड नेथन लायन चले गए हैं रेनेगेड्स में, और मिकी एडवर्ड्स भी अब इनके लिए खेलते हुए नहीं दिखेंगे। बात करते हैं मेलबर्न रेनेगेड्स के प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, तो यहाँ पे हमारे हिसाब से टीम जो इनकी बननी चाहिए वो होगी जो क्लार्क इनके विकेट कीपर, निक मार्टिनसन इनके कैप्टन है, मैकेंजी हार्वी, जेक फ्रेजर मैकगर्क, एरन फिन, जॉन वेल्स, विल सदरलैंड, टॉम रॉजर्स, केन रिचर्डसन, एडन जैम्पा और मुजीबुर रहमान। बात करें अगर इनके टीम में तो केन रिचर्डसन को भी निकल है, हो सकता है वो भी खेलते हुए ना दिखाई दे आपको। इन्स की अगर मैं बात करूं तो इनके स्क्वाड में जो सबसे बड़े दो नाम इंक्लूड हुए हैं इस साल वो है नेथन लायन जो पहले सिक्सर्स के लिए खेल रहे थे, और एडम जैम्पा जो पहले स्टार्स के लिए खेल रहे थे। पीटर सिडल भी अब इनके लिए खेलते हुए दिखेंगे, पहले स्ट्राइकर्स के लिए खेल रहे थे। क्विंटन डीकॉक इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मेलबर्न रेनेगेड्स, बट पहला मैच नहीं खेलेंगे क्योंकि वो अबू धाबी T10 खेल रहे हैं, सेकंड मैच से शुड बी अवेलेबल। अगेन जो क्लार्क भी पहले स्टार्स के लिए खेलते थे और अब इनके लिए खेलते हुए दिखेंगे। मेलबर्न रेनेगेड्स ने काफी अच्छा स्क्वाड तैयार किया है फॉर दिस सीजन। आउट्स की बात करूं तो जैक इवंस, पीटर हैनकॉम, मार्कस हैरिस, जैक प्रिस्विच, डेविड मूडी, फवाद अहमद, ये सब अब इनके लिए खेलते हुए नहीं दिखेंगे। चलते हैं दोस्तों वेन्यू एनालिसिस पे, तो ये गेम खेला जाएगा सिडनी क्रिकेट ग्राउंड सिडनी में, जहाँ पे एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर लास्ट 5 T20 मैचेस में देखा गया 151 रन्स का। ये जो पिछले 5 मैचेस हुए हैं ये दिसंबर ऑनवर्ड्स लास्ट ईयर से हुए हैं एंड पांचों ही BBL के ही मैचेस हैं। टॉस की बात करूं तो टीम बैटिंग फर्स्ट जीती है पिछले 5 में से 3 गेम्स, और 2 गेम्स जीती है टीम बैटिंग सेकंड। पेस वर्सेस स्पिन की बात की जाए तो पेसर्स ने डोमिनेट किया है, 40 विकेट्स निकाली हैं, स्पिनर्स ने निकाली हैं 21 विकेट्स इन लास्ट 5 T20s। पर ट्रेडिशनली हमने देखा है कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड का थोड़ा सा स्लो पिच ही रहता है, तो स्पिनर्स भी इफेक्टिव रहेंगे इस गेम में। बात करते हैं रिकॉर्ड्स इन T20s की इस साल, तो पहले देखेंगे सिडनी सिक्सर्स के बैटर्स का रिकॉर्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जेम्स विंस ने बनाया 1600 से ऊपर रन 47 की एवरेज से 43 इनिंग्स में, एक बारी सेंचुरी लगा चुके हैं 14 बारी हाफ सेंचुरी। टॉम करन ने बनाया 575 रन 26 की एवरेज से 30 इनिंग्स में। स्टीव स्मिथ ने वोपिंग 70 की एवरेज से बनाया 417 रन 7 इनिंग्स में, ये भी 2 बारी सेंचुरी लगा चुके हैं। मोसेस हेनरिकस की बात की जाए तो 15 इनिंग्स में 352 रन बनाए हैं इन्होंने 32 की एवरेज से, हाईएस्ट स्कोर रहा इनका 58 का। सिडनी सिक्सर्स के बॉलर्स की बात करें तो शॉन अबॉट ने सबसे ज्यादा विकेट्स निकाली हैं, 39 विकेट्स इस साल निकाल चुके हैं 29 इनिंग्स में। स्ट्राइक रेट रहा है 13.8 का। टॉम करन ने 29 विकेट्स निकाली हैं 17 की स्ट्राइक रेट से। हेडन केयर निकाल चुके हैं 16 विकेट्स 19 इनिंग्स में। बेन वॉशर्स ने निकाली हैं 15 विकेट्स 11 इनिंग्स में, इनका भी स्ट्राइक रेट काफी अच्छा है, 16 की स्ट्राइक रेट से निकाली है। मेलबर्न रेनेगेड्स के बैटर्स की बात करें तो जो क्लार्क 35 इनिंग्स में क्लोज टू 900 रन बना चुके हैं 28 की एवरेज से, 8 बारी हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं। क्विंटन डीकॉक ने 23 इनिंग्स में बनाए हैं 36 की एवरेज से 799 रन। एरन फिंच बना चुके हैं 385 रन 17 इनिंग्स में एंड विल सदरलैंड ने बनाया है 258 रन 13 इनिंग्स में। मेलबर्न रेनेगेड्स के बॉलर्स में एडम जैम्पा ने निकाली है 41 विकेट्स 28 इनिंग्स में, स्ट्राइक रेट रहा है 16 का। मुजीबुर रहमान ने 26 विकेट्स निकाली है 33 इनिंग्स में।
केन रिचर्डसन ने निकाली है 25 विकेट 21 इनिंग्स में 16 की स्ट्राइक रेट से, और टॉम रॉजर्स ने 14 की स्ट्राइक रेट से निकाली है 18 विकेट्स इन 12 इनिंग्स। अब बेस टीम में जाने से पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि ये वीडियो के स्पॉन्सर्स है फैंटेसी अखाड़ा, एंड बेस टीम भी हम बनाएंगे फैंटेसी अखाड़ा पर ही, जहाँ पे आपको मौका है एक फोन जीतने का। बिग बैश लीग स्टार्ट हो गया है एंड बिग बैश लीग के हर मैच में आपको मेगा कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा फैंटेसी अखाड़ा पे। उस पे अगर आप 20 से ऊपर टीम्स बनाते हैं तो आप एक लकी विनर में से आ सकते हैं जिन्हें एक फोन मिल सकता है। तो फैंटेसी अखाड़ा आपको मौका दे रहा है हर एक मैच में एक फोन जीतने का, तो देर किस बात की, जल्दी से डाउनलोड कर लो फैंटेसी अखाड़ा। आपको लिंक मिल जाएगा पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में, और आप ऐप स्टोर पे भी जाके सर्च कर सकते हो। मोर ओवर आप हमारा रेफरल कोड व्यू स्पोर्ट यूज करोगे तो उससे भी आपको काफी एक्साइटिंग ऑफर्स मिल सकते हैं, कर लो जल्दी से डाउनलोड। अब हम चलेंगे बेस टीम पे। तो यहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन में हम लेकर जाएंगे सिडनी सिक्सर्स के जॉश फिलिप को, जो कि ओपन करते हुए दिखेंगे सिक्सर्स के लिए। बिग बैश लीग के वेटरन हैं, लास्ट दो सीजन्स की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट दोनों सीजन्स काफी अच्छे गए थे जॉश फिलिप के। अच्छा स्टार्ट देते हैं अपनी टीम को, क्रूशियल रहते हैं पावर प्ले में, एंड ऑफ लेट इतना अच्छा इनका रिकॉर्ड नहीं रहा है, बट BBL में हमेशा परफॉर्म करते हुए दिखे हैं। आप यहाँ पे देखोगे इनका वेन्यू रिकॉर्ड, तो वेन्यू रिकॉर्ड भी अच्छा है। 27 इनिंग्स में 34 की एवरेज से बनाए हैं 804 रन, जिसमें 9 बारी हाफ सेंचुरी इस वेन्यू पे लगा चुके हैं। अगर मैचअप वर्सेस बोलिंग टाइप देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा वो जरूर ट्रबलसम है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स अगेंस्ट 5 इनिंग्स में से 1 बारी आउट हुए हैं, वर्सेज ऑफ स्पिनर्स में 5 इनिंग्स में से 2 बारी आउट हो चुके हैं, और लेग स्पिनर्स में भी 2 इनिंग्स में से 1 बारी आउट हो चुके हैं T20s में इस साल। जो दूसरी हम पिक लेके जाएंगे विकेट कीपिंग सेक्शन में वो होगी मेलबर्न रेनेगेड्स के जो क्लार्क, ये भी एक एग्रेसिव ओपनर है। इन्होंने भी काफी अच्छी पारियां खेली हैं अपनी टीम के लिए बीबीएल में पहले, अच्छा खासा बीबीएल एक्सपीरियंस इनके पास भी है। इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड थोड़ा सा ट्रबलसम जरूर है, 4 इनिंग्स में केवल अभी तक 40 रन ही बना पाए हैं। मैचअप की अगर बात करूँ डिफरेंट बॉलर टाइप की, तो लेफ्ट आर्म पेसर्स के अगेंस्ट थोड़ी सी स्ट्रगल करते हुए दिखे हैं, 17 इनिंग्स में से 5 बारी आउट हो चुके हैं, तो बेन डोर्शस इनके लिए खतरा जरूर बन सकते हैं इस मैच में। चलेंगे अब बैटिंग सेक्शन पे। पहली मस्ट हैव पिक हमारी यहाँ पे हो जाएगी सिडनी सिक्सर्स से स्टीवन स्मिथ। अगर आपको याद होगा तो पिछले सीजन में लास्ट के कुछ फ्यू गेम्स उन्होंने बिग बैश लीग के खेले थे और उसमें धमाका मचा दिया था, 2 सेंचुरीज भी बनाई थी उसमें। होप करेंगे कि वही फॉर्म रीगेन कर सके एंड उसी के साथ सीरीज स्टार्ट कर सके बिफोर ही लीव्स फॉर द पाकिस्तान वर्सेज ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच। आप इनका वेन्यू रिकॉर्ड देखोगे तो काफी अच्छा है, 48 की एवरेज से 17 इनिंग्स में 624 रन बना चुके हैं सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पे। मैचअप की बात करें वर्सेज बॉलर टाइप तो वो भी बहुत ही अच्छे हैं, सबके अगेंस्ट काफी अच्छा खेला है इन्होंने, एक मस्ट हैव पिक अगेन हो जाएंगे बैटिंग सेक्शन में। दूसरे जो हम लेके जाएंगे वो होंगे सिडनी सिक्सर्स के जेम्स विंस। टेक्निकली काफी साउंड बैटर हैं, 1 डाउन पे बैटिंग करते हुए दिखते हैं आपको, हमेशा से सिक्सर्स के लिए खेलते आए हैं, काफी रिलायबल बैटर हैं, एक एंकर की तरह बिहेव करते हैं, स्लो जरूर स्टार्ट करते हैं बट आगे जाके अच्छी स्ट्राइक रेट से खेलना जानते हैं। इनका वेन्यू रिकॉर्ड भी काफी अच्छा है, 38 की एवरेज से 651 रन बना चुके हैं इस ग्राउंड पे 21 इनिंग्स में, जहाँ पे 3 बारी हाफ सेंचुरी ये लगा चुके हैं। बाकी बैटर्स हम देखेंगे सिनारियो वाइज हम किसे पिक कर सकते हैं। अभी चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। तो यहाँ पे पहली पिक रहेगी सिडनी सिक्सर्स की मोइसेस हेनरिकस, इनके कैप्टन। काफी बार जीती है सिडनी सिक्सर्स, काफी सक्सेसफुल कैप्टन माने जाते हैं ये। अगर सिडनी सिक्सर्स का टॉप ऑर्डर लड़खड़ाता है तो मोइसेस हेनरिकस ही संभालते हुए दिखते हैं, एंड ही इज वेरी यूजफुल विद हिज मीडियम पेस ऑल्सो, एक दो ओवर्स भी डालते हुए दिख सकते हैं। दूसरी जो ऑलराउंडर पिक रहेगी वो रहेगी सिडनी सिक्सर्स से टॉम करन की। काफी अच्छी मेमोरीज हैं इनकी इस वेन्यू पे, 14 इनिंग्स में 19 विकेट्स निकाल चुके हैं, स्ट्राइक रेट है 15 से भी कम का, गो टू बॉलर रहेंगे डेथ में सिक्सर्स के लिए, एंड बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्योंकि नंबर 7 पे बैटिंग करते हैं। बॉलिंग सेक्शन की मैं बात करूं तो यहाँ पे हम जाएंगे एडम जैम्पा के साथ मेलबर्न रेनेगेड्स से। बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में आ रहे हैं, वर्ल्ड कप में 2nd हाईएस्ट विकेट टेकर थे ये, काफी बड़ा एडिशन है मेलबर्न रेनेगेड्स के लिए स्क्वाड में इस साल इन टर्म्स ऑफ एडम जैम्पा। एंड जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया यहाँ पे स्पिनर्स को असिस्टेंस मिलती है तो एक क्रूशियल रोल निभाते हुए दिख सकते हैं। मोर ओवर आप यहाँ देख सकते हो सिडनी सिक्सर्स के बैटर्स जो स्ट्रगल करते हैं लेग ब्रेक बॉलिंग पे इस साल T20s में, तो जिसमें जॉश फिलिप का सबसे खराब एवरेज है, 2 इनिंग्स में से 1 बारी आउट हुए हैं। इसके अलावा टॉम करन भी 14 इनिंग्स में से 2 बारी आउट हो चुके हैं। दूसरा बॉलर होगा मेलबर्न रेनेगेड्स से ही मुजीबुर रहमान। ये और जैम्पा फॉर्म करेंगे काफी इंपॉर्टेंट स्पिन बॉलिंग पेयर अपनी टीम के लिए, दोनों ही ऑपरेट करेंगे मिडिल ओवर्स में, एंड दोनों के ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि इस गेम में कुछ अच्छा करके दिखाएं। मुजीबुर रहमान का वेन्यू रिकॉर्ड भी अच्छा है, 3 इनिंग्स में 5 विकेट से निकाल चुके हैं, एवरेज रहा है 13.2 का, स्ट्राइक रेट रही है केवल 14.4 की। बेस टीम तो हमने बना ली है एंड बिग बैश लीग की बात चल ही रही है तो आपके फायदे की भी एक और बात बता देते हैं। देखो बीबीएल में रोज होंगे धमाकेदार मैचेस और आपके लिए व्यू स्पोर्ट लेके आया है एक स्पेशल ऑफर। केवल 299 में आपके लिए लॉन्च किया है बिग बैश का सीजन पास, स्पेशल प्राइस है स्पेशल लोगों के लिए। ये पास लेने के लिए केवल 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे। ऐप के होम सेक्शन पे मोर पे क्लिक कीजिए, उसके बाद जाइए व्यू प्लान्स में,
एंड यहाँ आके पिक कर लीजिए बीबीएल का सीजन पास और हो जाओ तैयार। तो अगर आपने अभी तक सीजन पास नहीं लिया है तो देरी किस बात की है, जल्दी से व्यूस्पोर्ट की ऐप पर जाके सीजन पास को कर लो सब्सक्राइब। बनाते हैं अपनी बाकी की टीम अप। अब अगर रेनेगेड्स पहले बॉलिंग कर रही है, मतलब सिक्सर्स पहले बैटिंग कर रही है, तो यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन में हम जॉश फिलिप और जो क्लार्क के साथ ही जाएंगे। बैटिंग सेक्शन में हम अलॉन्ग विद स्टीव स्मिथ और जेम्स विंस, हम यहाँ पे तीसरा बैटर जो लेके जाएंगे वो होगी मेलबर्न रेनेगेड्स के जैक फ्रेजर मैकगर्क। हाल ही में मार्श कप में बहुत ही बेहतरीन खेल कर आ रहे हैं, तीन इनिंग्स में इन्होंने 57 की एवरेज से 171 रन बनाए हैं। एंड शेफील्ड सीजन में भी 10 इनिंग्स में 278 रन बनाकर आ रहे हैं। काफ़ी अच्छा डोमेस्टिक सीजन रहा है इनका, प्लेयर टू वॉच आउट रहेंगे इस सीजन में एंड काफ़ी अच्छी डिफरेंशियल पिक बन सकते हैं फॉर दिस मैच ऑल्सो। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे अलॉन्ग विद मोइसेस एनरिकस और टॉम करन हम लेके जाएंगे मेलबर्न रेनेगेड्स के विल सदरलैंड को। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा था कि कैप्टन ने इन पे काफी भरोसा दिखाया है, 6 या 7 पर बैटिंग करने आएंगे, इन काफी पावरफुल हिटर भी हैं, प्लस 2-3 ओवर से भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं थ्रू हिज मीडियम पेस। अगर मैं बॉलिंग सेक्शन की बात करूं तो हम यहाँ पे जाएंगे जैम्पा और मुजीबुर रहमान के साथ साथ केन रिचर्डसन, जो कि है मेलबर्न रेनेगेड्स के वेटरन बॉलर। अगर आप टॉप 5 विकेट टेकर्स देखोगे बीबीएल की हिस्ट्री में तो केन रिचर्डसन का नंबर 3 पे नाम आता है, 129 विकेट्स बीबीएल की हिस्ट्री में अभी तक निकाल चुके हैं, प्लस इनके पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी है। एंड यहाँ पे इनका वेन्यू रिकॉर्ड देखोगे तो यहाँ पे 7 बारी खेले हैं, 10 विकेट्स भी यहाँ पे निकाल चुके हैं 16 की स्ट्राइक रेट से। अगेन एक मस्ट हैव पिक हो जाएंगे अगर रेनेगेड्स इज बॉलिंग फर्स्ट। एक बात यहाँ पे याद रखने वाली है दोस्तों कि अगर शॉन अबॉट खेलते हुए दिखते हैं तो मुजीबुर रहमान की जगह पे हम शॉन अबॉट को ही अपनी बेस टीम में भी और सिनेरियो वाइज भी लेकर जाएंगे। ये तो बनेगी 7:4 फॉर्मेट की टीम अगर रेनेगेड्स पहले बॉलिंग कर रही है तो। अब अगर 10:1 फॉर्मेट में हमें टीम बनानी है तो हम यहाँ पे फ्रेजर की जगह या तो जैक एडवर्ड्स को पिक कर सकते हैं सिडनी सिक्सर्स के, या फिर टॉम रॉजर्स को पिक कर सकते हैं मेलबर्न रेनेगेड्स के। तो 10:1 फॉर्मेट में ये टीम बन जाएगी हमारी जब रेनेगेड्स पहले बॉलिंग कर रही है तो। विकेट कीपिंग सेक्शन में जॉर्ज फिलिप और जो क्लार्क, बैटिंग सेक्शन में स्टीव स्मिथ और जेम्स विंस, ऑलराउंडर सेक्शन में टॉम करन, मोइसेस एनरिकस और विल सदरलैंड और जैक एडवर्ड्स। अगर आप जैक एडवर्ड्स के साथ नहीं जा रहे हैं तो आप बॉलिंग में अलॉन्ग विद मुजीबुर रहमान, जैम्पा, केन रिचर्डसन, टॉम रॉजर्स को भी लेकर जा सकते हैं। अब देखते हैं क्या बनेगी हमारी टीम अगर रेनेगेड्स पहले बैटिंग कर रही है तो यहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन सेम रहेगा। बैटिंग सेक्शन में अलॉन्ग विद द टू बैटर्स हम यहाँ पे लेके जाएंगे रेनेगेड्स के एरन फिंच को, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हुए दिखेंगे एंड अब इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो गए हैं, पहला सीजन खेलते हुए दिखेंगे बिग बैश का आफ्टर रिटायरमेंट, तो देखते हैं कैसा परफॉर्म करेंगे यहाँ पे। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो हम यहाँ पे डेफिनेटली लेकर जाएंगे जैक एडवर्ड्स को अलॉन्ग विद मोइसेस हेनरिकस और टॉम करन। हेनरिकस ने इनका नाम लिया था प्लेयर टू वॉच आउट फॉर फ्रॉम दिस टीम अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इनका ये ब्रेक थ्रू सीजन हो सकता है स्मिथ के जाने के बाद, इनफैक्ट ये ओपन करते हुए भी दिख सकते हैं, अगर ओपन करते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट मस्ट हैव पिक बन जाते हैं। बोलिंग सेक्शन की बात करें तो अगेन अलॉन्ग विद जैम्पा एंड मुजीबुर रहमान हम यहाँ पे जाएंगे सिडनी सिक्सर्स के बेन वॉशर्स के साथ, जो कि इनके लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर। टेरिफिक रिकॉर्ड रहा था इनका इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया की T20 सीरीज में, अभी काफी अच्छा परफॉर्म करके आ रहे हैं, वन ऑफ द लीडिंग विकेट टेकर्स भी हैं सिडनी सिक्सर्स के लिए, काफी क्रूशियल विकेट टेकर रहेंगे अपनी टीम के लिए इस सीजन में भी एंड बैक एंड ऑफ द इनिंग्स में भी बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। मोर ओवर आप यहां देख सकते हो कि रेनेगेड्स के बैटर्स जिन्होंने स्ट्रगल किया है लेफ्ट आर्म पेस पर इन T20s इस साल, तो एरन फिंच 12 इनिंग्स में से 3 बारी आउट हुए हैं, जैक फ्रेजर भी 3 इनिंग्स में से 1 बारी आउट हुए हैं, जो क्लार्क आउट हो चुके हैं 17 इनिंग्स में से 5 बारी। तो दोस्तों ये बनेगी हमारी टीम अगर रेनेगेड्स पहले बैटिंग कर रही है तो। विकेट कीपिंग सेक्शन में रहेंगे जो क्लार्क और जॉश फिलिप, बैटिंग सेक्शन में एरन फिंच, जेम्स विंस और स्टीव स्मिथ, ऑलराउंडर सेक्शन में हो जाएंगे जैक एडवर्ड्स, मोइसेस एनरिकस और टॉम करन, और बोलिंग सेक्शन में हो जाएंगे जैम्पा, मुजीबुर रहमान और बेन वॉशर्स। अगर अब 10:1 फॉर्मेट में अगर टीम बनानी है रेनेगेड्स अगर पहले बैटिंग कर रही है तो हम यहाँ पे फिंच को रिप्लेस करके 2 ही बैटर्स के साथ जाएंगे, और वो एक्स्ट्रा स्लॉट हम अपने ऑलराउंडर को देंगे निक मैडनसन के रूप में, जो कि है रेनेगेड्स के कैप्टन, ये ओपन करते हुए भी दिखेंगे प्लस 1-2 ओवर्स अपने स्पिन से भी डालते हुए दिख सकते हैं। तो ये बन जाएगी हमारी टीम 10:1 फॉर्मेट में, जहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन में सेम रहेंगे, बैटिंग सेक्शन में 2 ही बैटर्स के साथ जाएंगे अपने बेस टीम वाले स्टीव स्मिथ और जेम्स विंस के साथ, ऑलराउंडर सेक्शन में हम यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑलराउंडर्स लेकर जाएंगे, जो कि हो जाएंगे जैक एडवर्ड्स, निक मैडनसन, मोइसेस हेनरिकस, टॉम करन, और बॉलिंग सेक्शन में हम जाएंगे 3 ही बॉलर्स के साथ, बेन वॉशर्स, जैम्पा और मुजीबुर रहमान। बात करते हैं अब सेफ कैप्टनसी पिक्स की, तो यहाँ पे सेफेस्ट कैप्टनसी पिक्स आपके लिए रहेंगी जॉश फिलिपे, स्टीव स्मिथ और एडम जैम्पा। डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक की अगर मैं बात करूं तो हियर वी विल गो विद विल सदरलैंड और जेम्स विंस। जेम्स विंस अगर बैटिंग पहले कर रहे हैं तो अच्छी डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक बन सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रीव्यू। अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन नहीं किया है अभी तक तो जल्दी से कर लेना अलॉन्ग विद अवर व्हाट्सएप चैनल, क्योंकि हमने सुना है कि आप लोग सब प्रो कबड्डी लीग भी खेलते हैं, वहाँ पे आपको हर एक कबड्डी मैच की टीम मिल जाएगी वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो जल्दी से कर लेना वो भी ज्वाइन, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ, थैंक यू सो मच।